हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैन नॉलेज हब, वेयर यू कैन एनहेंस योर नॉलेज। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर से रिलेटेड सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि रियल नंबर एक्चुअल में होता क्या है और इसमें हम कौन कौन सी थ्योरम यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, पहले बात करते हैं कि हम रियल नंबर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहली चीज़ है हमारी रेशनल नंबर और सेकंड है आपकी इरेशनल नंबर। अगर हम बात करें कि रेशनल नंबर होते कौन कौन से हैं, तो दोस्तों रेशनल नंबर को हम इंटीजर और फ्रैक्शन टू चीज़ों में डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इरेशनल नंबर की, तो दोस्तों इरेशनल नंबर जो होता है हमारा, इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसमें कोई भी फ्रैक्शन, जैसे कि मैं बात करूँ √3 और √7 या √5, यानी कि जो चीज़ जिसका एक्सपेंशन बढ़ता ही रहे, यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे √3 हो गया, √7 हो गया, √5 हो गया, √13 हो गया, ऐसे ही सो ऑन। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि रेशनल नंबर की। तो फ्रेंड्स, जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर को हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा फ्रैक्शन और दूसरा होता है हमारा इंटीजर। अब फ्रैक्शन में बात करते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे एग्जांपल, जैसे 2/3, एक ही 2/3 एक फ्रैक्शन है। जैसे 5/4 एक फ्रैक्शन है, ऐसे ही मैं लिख दूँ 1/2 ये एक फ्रैक्शन है, मैं बात कर दूँ 3/4 ये एक क्या है, एक फ्रैक्शन नंबर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंटीजर होता क्या है। तो दोस्तों, जो इंटीजर होता है हमारा, इंटीजर दो तरीके का होता है। पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर और सेकंड होता है आपका नेगेटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव इंटीजर की अगर हम बात करें, तो पॉजिटिव इंटीजर में हमारे जितने भी होल नंबर हैं और जितने भी नेचुरल नंबर हैं, वो सब इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव इंटीजर की बात करें, तो फ्रेंड्स नेगेटिव इंटीजर में जितने भी हमारे नेचुरल नंबर या होल नंबर होते हैं, उसमें आगे माइनस लग जाता है। जैसे -1, -2, -5, ये सब क्या होता है? हमारे नेगेटिव इंटीजर। लेकिन हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, तो जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये सब हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव इंटीजर जो है, वो होल नंबर और नेचुरल नंबर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब बात करें कि होल नंबर होता क्या है। तो फ्रेंड, जो होल नंबर होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये सब क्या होते हैं? हमारे होल नंबर होते हैं। होल में सभी नंबर इंक्लूड हो जाते हैं। इस होल नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि नेचुरल नंबर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जो नेचुरल नंबर होता है, इसमें बस जीरो इंक्लूड नहीं होती, यानी कि इसमें जीरो को छोड़ के बाकी सभी नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे बात करते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, सब क्या है? हमारे नेचुरल नंबर हैं। लेकिन अगर मैं इन नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दूं, तो क्या बन जाएगा? होल नंबर, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं फ्रेंड्स? नेचुरल नंबर को हम एन, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस रियल नंबर के अंदर हम पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर से रिलेटेड हमारी दो थ्योरम है, जिसका पहले थ्योरम हमारी, इसका नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और दूसरी थ्योरम का नाम है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होती क्या है। लेकिन उस थ्योरम से रिलेटेड सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा थ्योरम क्या होती है। तो दोस्तों, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इफ फॉर ए गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट होल नंबर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू बी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब होता क्या है? अगर मैं बात करूँ कि फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर ए कैन बी डिवाइडेड बाई अनदर पॉजिटिव इंटीजर बी इन सच ए वे डैट इट लीव्स अ रिमाइंडर आर डैट इज स्मॉलर देन बी, यानी कि अगर मैं किसी नंबर को बी से डिवाइड करता हूँ और उसका रिमाइंडर मेरा आर निकल कर आता है, तो हमारी ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा थ्योरम है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका जो डिवाइडेंट होता है, आपका जो डिवाइडेंट है वो फ्रेंड्स किसके इक्वल होता है?
ये आपका क्वेश्चन डिवाइजर प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो आपका डिवाइडेंड है वो क्वेश्चन डिवाइजर प्लस रिमाइंडर होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बी जो है वो ए को डिवाइड कर रही है और हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है, आर। यानी कि हमारा डिवाइडेंड क्या है, ए, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्यू, हमारा डिवाइजर क्या है, बी, और हमारा रिमाइंडर क्या है, आर। यानी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और उसकी कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, ये पूछ लेते हैं आपको, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कभी कभी आपके एग्जाम में कि व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर यूक्लिड डिवीजन लेम्मा थ्योरम। तो उसकी कंडीशन होती है कि जो आपका रिमाइंडर है वो जीरो हो सकता है और जीरो से बड़ा हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऑलवेज लेस देन किससे, ऑलवेज लेस देन बी, यानी ऑलवेज लेस देन बी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका हो गया इसमें ऑलवेज लेस देन बी, यानी कि जो आपका डिवाइजर है उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि लेम्मा का मतलब होता क्या है। तो फ्रेंड्स जो लेम्मा का मतलब होता है, लेम्मा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। यानी कि जो हम लेम्मा वर्ड यूज करते हैं वो एक प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है जिसको हम अनदर कोई भी चीज जो को हमें प्रूफ करनी है उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर हम नोट में बात करें कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा एंड एल्गोरिथम आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड डेट पीपल ऑफन कॉल्ड फॉर्मर एज डिवीजन एल्गोरिथम ऑल्सो। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा थ्योरम है और एल्गोरिथम है वो दोनों क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें सेकेंड बात करते हैं कि ऑल्दो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज स्टेटेड फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ऑल इंटीजर एक्सेप्ट जीरो, डैट इज बी नेवर बी इक्वल टू जीरो। यानी कि जो हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए तो अवेलेबल है, लेकिन वो जीरो के लिए एक्सटेंडेड नहीं है, बाकी सभी नंबर्स के लिए वो एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन जो हमारा डिवाइजर है, जो हमारा बी है, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मूव फर्दर, अब बात करते हैं हमारी जो थ्योरम है, पहले थ्योरम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि ये जो टेक्निक है इससे हम एच सी एफ निकाल सकते हैं ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, जो हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका हम एच सी एफ इससे निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि एल्गोरिथम होती क्या है। तो फ्रेंड्स एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। द वर्ड एल्गोरिथम कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ 9th सेंचुरी पर्शियन मैथमेटिशियन अल क्वारिज्मी। इनफैक्ट इवन द वर्ड अलजबरा इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ बुक ही रोट कॉल्ड हिसाब अलजबर वॉल मुकाबला। दोस्तों इसमें बताया है कि जो आपका एल्गोरिथम है ये एक वेल डिफाइंड सीरीज होती है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, एक प्रोसीजर होता है और जो एक ही तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज होता है। और इस वर्ड का जो आविष्कार किया है, जो उसको बनाया है, वो अल क्वारिज्मी नामक एक पर्शियन मैथमेटिशियन ने बनाया है और उन्हीं ने ही अलजेब्रा, उनकी बुक से ही एक अलजेब्रा वर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो निकला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें बोला है कि दिस इज बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। अकॉर्डिंग टू दिस द एच सी एफ ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी विद ए इज ग्रेटर देन बी इज ऑब्टेंड एज फॉलोज। तो फ्रेंड्स अगर बात करते हैं कि जो हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है उसके कितने स्टेप्स हैं, तो फ्रेंड्स इसमें स्टेप बाय स्टेप हम एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं। हमारी पहली स्टेप है इसमें अप्लाई द डिवीजन लेम्मा टू फाइंड क्यू एंड आर वेयर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम डिवीजन लेम्मा अप्लाई करेंगे और इस चीज़ को हम सेटिस्फाई करेंगे। दूसरे स्टेप में देखेंगे इफ आर इक्वल टू जीरो, यानी अगर आपका रिमाइंडर जो है जीरो हो जाता है तो आपका जो एच सी एफ होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, बी। यानी कि अगर आप ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं और आपका रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो आपका एच सी एफ क्या होगा फ्रेंड्स, बी होगा। लेकिन अगर आपका रिमाइंडर जीरो ना आ जाए, यानी वो जीरो के इक्वल नहीं है, तो दोबारा से हम क्या करेंगे, अप्लाई यूक्लिड डिलेम्मा टू बी एंड आर। हम दोबारा से बी और आर के बीच में यूक्लिड डिलेम्मा थ्योरम को अप्लाई करेंगे।
और ये प्रोसीजर तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या ना जाए, जीरो। द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी एच एफ ऑफ ए बी, ऑल्सो एच एफ ऑफ ए बी और एच एफ ऑफ बी आर। तो जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो ना जाए तब तक ये हमारे स्टेप्स फॉलो करते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें, कि यूज इक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द एच सी एफ ऑफ 452 एंड 12576। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला जो स्टेप है वो हमारा पहला स्टेप इसमें क्या है कि हम देखेंगे इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है। तो दोस्तों इसमें बड़ा नंबर हमारा 12576 यानी 12576 है, जो कि 4052 से ज़्यादा है। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा थ्योरम, और उसको हम क्या करेंगे, हम 4052 से 12576 को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद हम इसमें देख रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो 3 आ रहा है, और जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है, 420, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या नहीं है, जीरो नहीं है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं है, तो हम दोबारा से स्टेप टू में क्या करेंगे कि जो हमारा बी है और आर है इन दोनों में डिविजन लेम्मा थ्योरम लगा देंगे। और हम देख रहे हैं कि जब हम 4052 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 9, और जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 272, यानी कि हमारा यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा। तो इसलिए हम इस प्रोसीजर को आगे फिर फॉलो करेंगे, और दोबारा फिर हम हमारा जो बी और आर है इसमें लेम्मा थ्योरम लगाएंगे, और फिर लेम्मा थ्योरम लगाने ऐसे ही करते रहेंगे, और ये प्रोसीजर तब तक करेंगे जब तक हमारा इसमें प्रोसीजर में जीरो ना आ जाए। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमने ऐसे करते रहे और हमारा स्टेप नंबर 6 हो गया। स्टेप नंबर 6 में देख रहे हैं कि हमारा 124 और 24 में ये लेम्मा थ्योरम लग रही है, और फिर एट लास्ट हम देख रहे हैं कि वी कंसिडर द न्यू डिवीजन 24, यानी कि 24 और 4 में जब हमने लेम्मा थ्योरम लगाई तो हम देख रहे हैं कि 4 और 24 में जब हमने लेम्मा थ्योरम लगाई तो ये पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, जिससे कि हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ जा रहा है, तो फ्रेंड्स जीरो आ रहा है। यानी कि यहाँ पर हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया, तो यानी कि अब हम यहाँ पर अपना प्रोसीजर को स्टॉप कर लेंगे, और ये यहीं पर हमारा जो एच सी एफ होगा वो क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि 4 से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको समझ में आया होगा, ऐसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, आप उनको लगाना, अगर नहीं होंगे तो मैं करा दूंगा आपको। अब बात करते हैं सेकंड थ्योरम की, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। यानी कि दोस्तों ये थ्योरम बोलती है कि जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं वो सब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट होते हैं, और उसमें कोई भी जो प्राइम नंबर होता है उसका कोई भी ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। जैसे हम बात कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि 3 × 5 × 7 × 11, ये सब हमारे क्या है, प्राइम नंबर है, और ये होल सिस्टम क्या बन गया मेरा, कंपोजिट नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको पावर के फॉर्म में लिखें, यानी कि 3 × 5 × 3 × 7 × 1 × 11 × 2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इसमें ऑर्डर का कोई भी रूल नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि एन इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ थ्योरम 2 वाज प्रोबेबली फर्स्ट रिकॉर्डेड एज प्रोपोजिशन 14th ऑफ बुक 9th इन इक्लिड एलिमेंट्स बिफोर इट कम टू द टू बी नोन एज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हाउएवर द फर्स्ट करेक्ट टाइप प्रूफ वाज गिवन बाय कार्ल फ्रेडरिच गेस गाउज इन हिज डिस्कसिंग अर्थमेटिशियन। तो दोस्तों अगर बात करते हैं कि सबसे पहले इसका जो नाम था वो यूक्लिड एलिमेंट में इसका नाम था, जिसको बाद में हम जानने लगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और इसको दिया था कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं अगर इसको हम एक अच्छी फॉर्म में समझें, तो इन जनरल गिवन अ कंपोजिट नंबर एक्स वी फैक्टराइज इट एज एक्स इक्वल टू P1, P2 एंड डॉट डॉट Pn, where P1, P2, Pn आर प्राइम नंबर एंड रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर P1 इज लेस देन इक्वल टू P2 लेस देन इक्वल टू Pn। इफ वी कंबाइन द सेम प्राइम वी विल गेट पावर ऑफ प्राइम्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया है कि जैसे कि अगर हमारा 3000 32000
760 है, इसको हमने फैक्टराइज़ किया तो हमारे इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जो 2 की पावर है वो कितनी हो जा रही है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जा रही है 3, यानी पावर ऑफ 2 इज़ 3 एंड पावर ऑफ 3 इज़ 2 एंड 5 7 13। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वंस वी हैव डिसाइडेड डैट द ऑर्डर विल बी असेंडिंग, देन द वे द नंबर इज फैक्टराइज इज यूनिक, वी यूज द फंडामेंटल थियोरम ऑफ अर्थमेटिक फॉर टू मेन एप्लीकेशंस। फर्स्ट वी यूज इट टू प्रूव द इरेशनैलिटी ऑफ मैनी ऑफ नंबर्स सच एज रूट टू रूट थ्री एंड रूट फाइव। तो दोस्तों हम इस फंडामेंटल थ्योरम का दो जगह इस्तेमाल करते हैं, दो जगह यूज़ करते हैं। पहला है कि किसी भी नंबर की इरेशनैलिटी को हम इससे प्रूफ कर सकते हैं, और वी कैन अप्लाई दिस थ्योरम टू एक्सप्लोर व्हेन एग्जैक्टली द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर से पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो इज टर्मिनेटिंग एंड व्हेन इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। वी डू सो बाई लुकिंग एट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डेनोमिनेटर क्यू ऑफ पी बाई क्यू। तो फ्रेंड्स इस थ्योरम का हम दो जगह यूज़ करते हैं। पहला यूज़ हमारा इसमें क्या है, हमारा पहला यूज़ है कि हम किसी भी जो इरेशनल नंबर है उसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर कैसे है, और दूसरा हमारा यह है कि हम किसी भी इरेशनल नंबर को बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो फ्रेंड्स दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेट अस रिकॉल दिस मेथड थ्रू एग्जाम्पल। हमारा इसमें एग्जाम्पल है कि फाइंड द एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम इसमें 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से किया 2, 3 जा 6, 3 से किया 3 बन जा 3, यानी कि 2 इंटू 3, ऐसे 72 का हमने फैक्टराइजेशन कर लिया, ऐसे हमने 120 का फैक्टराइजेशन कर लिया। अब बात करते हैं कि इसका हम एच सी एफ कैसे निकालें। तो फ्रेंड्स जो एच सी एफ होता है, एच सी एफ यानी हाइएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है उसको बोलते हैं जो कॉमन हो और मिनिमम हो, यानी कि 2, यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 3। तो उसमें सबसे छोटा क्या है हमारा, यानी 2। तो हमारा एच सी एफ क्या होगा फ्रेंड्स इसका, 2। लेकिन अगर हम एल सी एम की बात करें तो एल सी एम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हम एल सी एम की बात करें, ये तो हमारा एच सी एफ तो हो गया 2 इंटू 3 यानी कि 6 हो गया, और अगर हम एल सी एम की बात करें इसमें जो ग्रेटेस्ट पावर होती है ऑफ प्राइम फैक्टर 2 एंड 3 एंड 5 रेस्पेक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस 3 नंबर, यानी कि हमारा जो एल सी एम होता है वो हाईएस्ट पावर होती है नंबर्स की। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या आ रही है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। एज यू कैन सी हियर कि 3 की पावर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो हमारा जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी हमारी, इसमें ये हो जाएंगी, और इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा एन 2 की पावर 3 का मतलब हो गया आपका 8, 3 की पावर 2 का मतलब होगा आपका 9 और 5 की पावर 1 का मतलब 5। जबकि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 360। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट कीजिए। और इससे आगे हम अपनी रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 की अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।